ये नफरत बुरी है, ना पालो इसे, दिलों में खलश है निकालो इसे। ना तेरा ना मेरा ना इसका ना उसका, ना तेरा ना मेरा ना इसका ना उसका, ये सबका वतन है बचा लो इसे। जश्न यौम जमहूरिया के इस मुबारक मौका पर दाइस तशरीफ फरमा उसातिज़ा किराम, दूर दूर से तशरीफ लाए हुए मेहमान आजाम और अजीज साथियों का दिल की गहराई से इस्तकबाल करता हूँ। और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने उसातिज़ा किराम का, अशरफ़ मोहम्मद मकबूल गनई साहब, सेक्रेटरी बी डी सी अशरफ़ बी डी ओ मोहतरम हकीम सजाद साहब, एस डी पी ओ अशरफ़ मोहतरम रकीब साहब, जोनल एजुकेशन ऑफिसर मोहतरम गुलाम हसन साहब, एस एच ओ अशरफ़ मोहतरम सरफराज साहब, बी एम ओ अशरफ़ डॉक्टर अख्तर साहब, नायब तहसीलदार अशरफ़ मोहतरम मंजूर साहब, सी डी पी ओ, हम सब बखूबी जानते हैं आज हम सब 74वीं जमहूरिया मना रहे हैं। 26 जनवरी का दिन हमारे मुल्क हिंद में कौमी त्यौहार के तौर पर मनाया जाता है। आप अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ, मुल्क को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद कराने में हिंदुस्तानियों को तकरीबन 300 साल जदोजहद करना पड़े, ऊंच नीच न रह सके, इसलिए एक दस्तूर साज कमेटी बनाई गई। इस कमेटी में कुल 299 अराकीन शामिल थे और डॉक्टर बेमरा उम्मीदकर इस कमेटी के सदर मुंतखब किए गए। इस दस्तूर साज कमेटी ने 26 नवंबर 1949 को हमारे इस दस्तूर साज यानी आईन हिंद को बनाकर तैयार कर दिया, लेकिन इसे 26 जनवरी 1950 को नाफिज किया गया। तब से लेकर आज तक हम सब हर 26 जनवरी को बतौर क़ौमी जमहूरिया मना रहे हैं। अब हमारा मुल्क हिंद आज़ाद भी है और हमारा खुद का कानून भी है। चेयरपर्सन, चीफ गेस्ट, बी डी सी अचबल, मिस फिरदौसा जी, मेरे सामने बैठे भाइयों, बहनों, बुजुर्गो, अस्सलाम वालेकुम। चूंकि सबसे बड़ा सबसे अच्छा त्यौहार है, इसका मतलब और मकसद तब पूरा हो सकता है साथियों जब जो हमने कभी देखा नहीं था, 6000 रुपया उसके अकाउंट में जब आते हैं, पहले हमें लगता था कि शायद झूठी कहानी है, लेकिन जब जमींदार को अपने अकाउंट में 6000 रुपया आ गए, तब जाके जमींदार को समझ आ गया कि मैं एक जमहूरी मुल्क में रहता हूँ। 26 जनवरी की जो ये फंक्शन है, इसी दिन के बदौलत ये जमींदार ये पैसा हासिल कर रहा है। साथियों, न जाने कितनी स्कीमें हैं जिन स्कीमों के जरिए हमारे बच्चे शिफ्ट करना पड़ा। कहां से मैं वो अल्फाज लाऊं अपने एडब्ल्यू आर अचबल के लिए, उसके टीम के लिए, अपने बी डी ओ अचबल हकीम सजाद के लिए, उसके टीम के लिए, जिन्होंने कम करीब वक्त में इसको शिफ्ट करके यहां पे ये सजाया। मैं अपने एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूं, डीसीएन इंदौर से गुजारिश करता हूं कि इन जैसे अफसरों को हमेशा तरक्की से नवाजे, इन जैसे अफसरों को हमेशा इज्जत अफजाई की जाए। साथियों, आखिर पर मैं यही उम्मीद। चलिए डॉक्टर साहब, यहाँ रिसीव किया जा रहा है रिप्रेजेंटेटिव के। चले हमारे नायब साहब ने मैंने जी बताया और ये डबल साहब का लिया जोरदार तालियां खैरो साहब के लिए।
शुक्रिया।